आपके आवाज में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में और हमारे सामने बैठे हैं गिरीश भाई, जिसे लड़ुआ नेता कहा जाता है, ग्रास रूट के नेता कहा जाता है, और वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, पूर्वतन चेयरमैन भी रह चुके हैं, SDG के भी रह चुके हैं, हर कई पोस्ट में रह चुके थे और हमेशा लड़ते रहते हैं और खास करके हिंदुत्व पर ज़्यादा ये करते हैं। सर आज वो सुनने में आप कुछ करना चाह रहे हैं तो इसके बारे में बताएंगे, क्या क्या प्रोग्राम आपका सर जो हमारे जय करम सबको। आपको मालूम है ये जो को हत्या के विरोध में जो हमारा आंदोलन रहा है वो 3 महीना हो गया रेगुलर चल रहा है। सबका सहयोग भी हमको मिल रहा है, जनसाधारण का भी हमको सहयोग है। और आपने देखा होगा लास्ट के 5-7 दिनों में हम अगर थोड़ा साइलेंट बैठे हैं तो पब्लिक निकल के गए, जहाँ जहाँ से चला चला के रहे उसको पकड़ के लोग एक्शन ले रहे हैं। हमने गौशाला के लिए जगह मांगी है प्रशासन से, 2 महीना हो गया आज तक हमको जगह नहीं मिली है। और हमने कुछ FIR की थे कुछ आदमियों का नाम से जो गाय काटते हैं, जिसका नाम से हमने FIR किया था, आज तक हमको FIR का कॉपी मिल रहा है ना, FIR हुआ है कि नहीं भी हमको पता नहीं चल रहा है। और ऐसी बहुत घटनाएँ हैं और इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं इस आंदोलन को। तो आने वाले 24 तारीख को हनुमान जयंती कमेटी की तरफ से तथा जितने समुप्रेग भक्त हैं सबके तरफ से एक 12 घंटा का सामूहिक वहाँ पर उपवास रखने जा रहे हैं हम लोग। 12 घंटा हम लोग गोलबिहार में उपवास करके बैठे हैं ताकि हमारी बात को हम प्रशासन समझाने की कोशिश करेंगे। बात ऐसा है कि समय बीतते जा रहा है, इतना आंदोलन करने के बावजूद भी आज भी अब देख लीजिए मोतीझीरा में, सोनापाली में रोज की रोज गाय की हत्या हो रही है। बार बार हम लोगों प्रशासन को ताजी करते हैं, उसके बावजूद वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो आंदोलन जो चल रहा है उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपके माध्यम से मैं संभवपुर के सब जनसाधारणों को निवेदन करना चाहता हूँ, जितने भी अभी गौ भक्त है अपने वो सब गौ भक्त को उस दिन वहाँ पर गोलियार में पहुँचना है। और जो भी आप उपवास में बैठ सकते हैं अपने गौ माता की रक्षा के लिए 12 घंटा के लिए, तो वहाँ पे 12 घंटा के लिए उसको निमंत्रण करते हैं, अपना नाम भेज दें हमारे पास, तो हम उसकी व्यवस्था करेंगे। और लोगों 12 बजे वहाँ पे सवेरे 8 बजे से हम लोगों शुरुआत होगी और शाम के 8 बजे तक वहाँ बैठेंगे हमको, रात के 8 बजे तक गोलबैया चौक में। जगह मोटा मोटी गोलबैया चौक फाइनल है, बाकी देखते हैं कितनी संख्या हमको इसमें, तो ज़्यादा संख्या करना नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर भी जो भी कोई अगर गौ भक्त इस आंदोलन में इस महत्व काम में उपवास करके अपना इसमें समर्थन देना चाहता है वो आपके माध्यम से मैं सबको निवेदन करता हूँ। आप वो सब अपना अपना नाम को किसी के भी पास में, भारतीय जनता पार्टी के हो या विश्व हिंदू परिषद के हो या बजरंग दल के हो या हनुमान जयंती कमेटी के कार्यकर्ता हो, तो जिसको पहचानते हैं उसके पास उसका नाम दे दें, उसका हम लोग को वहाँ पर व्यवस्था करें। वो जरूरी भी है आज के दिन में, खाली हम करते हैं आंदोलन हमारी माता की ऐसा नहीं, सबका सहयोग मिल रहा है और ज़्यादा सहयोग की हमारी अपेक्षा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये करना 24 तारीख को करेंगे सर, 24 तारीख को सवेरे 8 बजे सर। अभी हमने सुना आप लोग भी आइए 24 तारीख को सवेरे 8 से शाम को 8 बजे तक, एक जो भूख हड़ताल होगा हंगर स्ट्राइक माँ के लिए, आप लोग भी योगदान दीजिए। और जो जो भाई इच्छुक हैं वो वक्त हैं वो आके गिरीश भाई को पटेल में या कार्यालय में उनके आके अपना नाम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसप्रीत सिंह की रिपोर्ट।